वेब डिजाइनिंग का काम करने वाले जोधपुर के सागर व्यास का एक सपना साल 2021 के जाते जाते पूरा हो गया। ये सपना था आसमान की ऊंचाइयों से धरती को देखना, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, वो भी ऐसे मर्ज के साथ जिसमें उसके 80% शरीर ने काम करना तक बंद कर दिया हो। लेकिन ये सपना पूरा किया सागर के दोस्तों ने। 31 दिसंबर को उसके दोस्तों ने पैरासेलिंग के जरिए सागर के सपने को पंख लगा दिए। विकट परिस्थितियों और अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रहे सागर खुद भी कम नहीं है। अपनी परिस्थितियों के आगे उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने साथ वो अपनी ही तरह के लोगों की मदद भी करते हैं। इसके लिए दर्राह नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं। इसी के जरिए वो अपने जैसे लोगों को न केवल हौसला देते हैं बल्कि उन्हें काम यानी रोजगार भी मुहैया कराते हैं। आइए देखें सागर के सपने से लेकर उसके हौसलों की उड़ान का ये वीडियो। एक मित्र है सागर व्यास, उनका एक सपना था कि वो ऊपर ऊंचाइयों को छुए, वो भी आसमानों में उड़े, वो भी आपके पैरासीलिंग वगैरह करें। उन्हें एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें उनका शरीर हर वर्ष आपके करीबन 2 से 4-5% तक कम होता रहता है, डिग्रेड होता है, तो बॉडी काम करना कम होती रहती है। हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना यार सागर की इस इच्छा को पूरी किया जाए। तो हम लोग 4-5 दोस्त मिलकर, मैं, सागर, श्याम बोरा, रमेश मुकेश और हम लोग अविनाश काबरा वगैरह, हम लोग उनको जैसलमेर लेके गए। जैसलमेर में हम लोगों ने उन सपने को पूरा करने की कोशिश की। वहां पर हम लोगों ने मेजर आनंद की उपस्थिति में, उनका एक कोई कैंप चलता है वहां पर, हम लोगों ने उनको पैरासीलिंग कराई और व्हीलचेयर के साथ उनको पैरासीलिंग की। एक एडवेंचरस काम था, डर हमें भी लग रहा था, बट जो सागर की एक हिम्मत थी और जो उसका हौसला था और जो उसकी एक इच्छा थी, उसको हम लोग जब पूरा करना चाहते थे उसके एवज में हम लोग वहां तक पहुंचे और हम लोगों ने उसको ये पूरा करके ही दम लिया। हमारा एक मन था कि हम लोग आखिरकार कैसे भी करके सागर को ऊंचाई तक छुएंगे, क्योंकि सागर जिस चीज से खुश होगा उसी चीज में हमारी खुशी होगी। तो सागर हमारा एक फ्रेंड है जो कि एक एनजीओ भी चलाता है, राह एनजीओ करके उसका एक एनजीओ चलता है, जहां पर उससे ना तो खुद उससे अपने जैसे और भी भारत के बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया था यहाँ पर, और वही उनको काम वगैरह भी करते हैं, वेब डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। तो इससे हमारी उम्मीदें बनती है कि हाँ वो कुछ कर सकता है। सागर हमारे लिए एक मोटिवेशन का केंद्र। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की, खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए, तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।